हल्द्वानी में पेयजल किल्लत और बिजली की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने खुद धरातल पर उतरकर व्यवस्था को देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ ट्यूबवेल और पंप हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बिजली और पानी की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बिजली विभाग को भी निर्देशित किया कि वह बिजली की चोरी को रोकते हुए व्यवस्थित तरीके से रोस्टिंग कम करे। यहाँ हल्द्वानी शहर में बिजली पानी का जो क्राइसिस है वो कुछ हमारे एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, जिसमें राजपुरा का वार्ड है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और लगातार वहाँ समस्या आ रही है। तो आज उनके दोनों जो पंप हाउस हैं उनका निरीक्षण हमने जल संस्थान का किया है और उसमें जो नई लाइनें हैं या उसका जो वॉल्व का सिस्टम बनाकर उसकी आपूर्ति को रेगुलेट किया जाना है उसके संबंध में विभाग को निर्देशित किया है। साथ में आज बिजली की जो समस्या है उसके लिए हमने यहाँ UPCL का भी एक सबस्टेशन का निरीक्षण किया है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें जो लाइन लॉसेज है, जो लाइनों में समस्या होती है, कंज्यूमर लाइनों में वोल्टेज का बहुत ज़्यादा जो है लोड बढ़ने की वजह से बाद में दिक्कतें आती हैं, उसमें विभाग अपनी तकनीकी रूप से क्या ऐसे तात्कालिक उपाय कर सकता है जिससे उस क्राइसिस को हम लोग कम कर पाएँ, उसके विषय में दिशा जरूरी दिशा निर्देश दिए।